हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में कमाल के और धमाल के टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, सोरठा छंद की परिभाषा, उदाहरण व लक्षण। तो इस सोरठा छंद को मैं आपको ट्रिक की सहायता से यार बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को समझ जाते हो तो आप ज़िंदगी भर सोरठा छंद को नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेंगे, इसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो पहले सोरठा छंद की हम उदाहरण को, ये परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखो, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध का मतलब कि आधा सम होता है, आधा विषम होता है, ठीक है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। ये दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है, इस चीज़ को तो आप समझ गए, लेकिन इस ट्रिक को समझ लीजिए। देखो ट्रिक क्या है, सो गति, अब इस ट्रिक को आप समझ लेते हो तो ये सोरठा छंद भी आपको याद हो जाएगा और कुछ कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। सो का मतलब सोरठा, ग का मतलब 11-11 और ते का मतलब 13-13, ठीक है। देखो, इससे कन्फ्यूज़न आपको सोरठा और दोहा दोनों में होता है। यहाँ पे देखो, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, देखिए पहले और तीसरे में 11-11, पहले 11-11 मात्राएँ, फिर उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती है। तो 13-13 बाद में है तो 13-13 आपको बाद में लगा देना, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे छंद का उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसके लक्षण को भी दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके एग्जाम में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखो, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा एन, चीतय लखत जानकी तन। ये इसका उदाहरण है। अब देखो, इसकी मात्रा किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। अगर ये छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए एक लगाते हैं, अगर ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए दो लगाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को और बाकी जो मात्रा है उनको इसी डेफिनेशन में समझ, इसी उदाहरण में समझ लेते हैं। देखो, ये छोटा ऊ का मात्रा है, इसके लिए एक लगाएंगे, ठीक है। और ये छोटी ई की मात्रा इधर की मात्रा है तो इसके लिए एक लगाएंगे। अब देखो, ए का मात्रा है, ठीक है। ए का, ए और आय दोनों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए के लिए भी और आय के लिए भी, इसके लिए हम यस का मतलब, इसका मतलब दो, इसका मतलब एक और इसका मतलब दो। और ये वह है सिंगल है तो इसके लिए एक का, ये ट है तो इसके लिए एक का। अब देखो, ए का मात्रा हो गया, ठीक है, इसके लिए दो का लगा देंगे। अब यहाँ पर भी आय का मात्रा है, इसके लिए दो लगा देंगे। यहाँ पर न है तो इसके लिए एक लगाते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रेम है, ठीक है, ए का मात्रा है तो इसमें दो लगा देंगे और म के लिए एक लगा देंगे। ल है एक और ए का मात्रा है तो दो, टे है तो यहाँ पर भी दो लगा देंगे। इस तरह से ए का मात्रा इसमें, अ है तो एक, ट है तो सिंगल है, इसके लिए भी एक, और ये ए का मात्रा इसके लिए दो का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से अब देखो, यहाँ पे बी से छोटी का मात्रा है तो एक, ह है तो एक, ए का मात्रा है तो दो इसके लिए प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क अकेले है तो एक, इसके बाद रूढ़ा है, ठीक है, ये छोटा उ का मात्रा है तो इसके लिए एक, और ये आ का मात्रा, आ के लिए दो का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अब अ है तो एक, य है तो एक, इस पर कोई मात्रा उतर नहीं तो एक एक लगा देते। अब देखो, चीत है, इधर का छोटी ई है तो इसके लिए एक, और आय का मात्रा है तो आय की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, दो। इस तरह से यस जो होता है। अब यहाँ पे लखत है तो एक एक इन लोगों के लिए हो जाएगा, आ का मात्रा है जप है तो दो हो जाएगा, और न है तो एक हो जाएगा, और इधर की मात्रा है, देखो इधर की मात्रा है इसके लिए दो का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक एक का प्रयोग कर देंगे। अब देखो, इसके परिभाषा थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ये बोल रखा है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, ये इसका देखो, ये पहला चरण हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा चरण हो गया इसका वहाँ से लेकर, ये तीसरा, ये चौथा। ये बोल रहा है कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है। यही कहा है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, पहला एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक, ग्यारह, ठीक है। इसको दो गिनेंगे, इसको एक गिनेंगे, और ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण में गिन देंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
9, 10, 11, पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा होगी। इसके बाद ये कह रहा है दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा, ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया। देख लेते 13 13 मात्रा है कि नहीं। दो, ये दो है, एक तीन, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है। अब ये चौथा चरण है, ये इसमें भी 13 13 बोल रहा था, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 13 मात्राएँ। तो इस तरह से अगर आप मात्राओं को लगा देते तो आपका टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो सोरठा छंद बिल्कुल ईजिली है, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।